रिव्यू करेंगे भोला की ट्रेलर। ओ माय गॉड, क्या लग रहा है भाई। देखो, मैं आपको एक चीज पहले से बता देना चाहूंगा, भोला की जब पहला टीजर आया था जिसमें अजय सर की फेस भी दिखाया देखने को नहीं मिला था, लेकिन वो टीजर इतना खतरनाक लगा था, सबका दिल दिमाग एकदम से लूट के ले गया था। और सब लोग सोच रहे थे कि मतलब कैथी जैसी फिल्म को फिर यहाँ पे मतलब 3D में क्या कैसे दिखाएंगे, क्या बोलेंगे बोल करके। लेकिन जब इसकी पोस्टर आया ना गाइस, तो वो टीजर से भी और ज्यादा हाइप मचा दिया, और ज्यादा धमाल मचा दिया। अजय सर की लुक को देख करके सब लोग एकदम से बेहाल हो गए। उसके बाद टीजर 2 आया। ओह माय गॉड, टीजर 2 तो और ज्यादा खतरनाक लगा, और ज्यादा जानदार लगा। और उसके बाद एक के बाद एक प्रोमो वीडियो, एक के बाद एक पोस्टर वगैरह आके मतलब जिस कदर हाइप बना के रखा था ना भाई, ये सिलसिला अभी भी चालू है यार, ये सिलसिला अभी भी चालू है। अभी ये जो तब जब ट्रेलर आया है ना, ट्रेलर ये सारी चीज का बाप निकला, और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब फिल्म में देखो, मतलब ये तो बेशक कैथी का रीमेक है, लेकिन कैथी का बहुत सारा फाइट वाइट यहाँ पे है, लेकिन एक्शन यहाँ पे डिफरेंट तरीके से है। और उसको जब 3D का एक्सपीरियंस मिलेगा ना गाइस, ओ माय गॉड, क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा। अगर हमारे ये मोबाइल स्क्रीन, ये यूट्यूब पर हम देख करके हमें अगर इतना घुसबम मिल रहा है, तो 3D में इसका क्या लेवल का, किस किस लेवल की मतलब घुसबम देगा, आप जरा सोचो यार, खतरनाक लग रहा है। खास करके वो बाइक वाला, वो ऐसे जो मतलब वो जोंग फिल्म आया था ना मिथुन सर के साथ, वहां पे उनकी जो मतलब इंट्रो वाला फाइट होता है, वहां पे जैसे एक फाइट होता है ना, वैसा वाला फाइट का, ऐसे मतलब ऐसे पैर पे जो मारते हैं, बिल्कुल वैसा वाला फाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बहुत खतरनाक लग रहा है, खास करके त्रिशूल का। ओ माय गॉड, क्या ही मैं बताऊं यार, जबरदस्त लग रहा है। हर एक फ्रेम में फाइट बहुत जबरदस्त लग रहा है, और ऊपर से इसकी डायलॉग्स, ओ माय गॉड, क्या डायलॉग है यार, एक के बाद एक इतना खतरनाक डायलॉग मिल रहा है सुनने को। ओ माय गॉड, मस्त लग रहा है यार, खतरनाक लग रहा है। और ऊपर से इसकी जो स्टारकास्ट है ना, देखो यार, किरण कुमार, फिर तब्बू, ये सारे लोग मतलब एक वजनदार, मतलब खतरनाक लग रहे हैं एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ट्रेलर में भी हमें ये अभिषेक बच्चन की फेस को देखने को नहीं मिला गाइस, बस उनकी आंखें देखने को मिली, जो कि बहुत ही मतलब आग अंगार बरस रहा था। शायद ये अभिषेक बच्चन का जो कैमियो है बहुत जबरदस्त होने वाला है, जो कि फिल्म में ही हमें डायरेक्टली दर्शन मिलेगा और घुसबम पैदा करेगा गाइस। तो अभिषेक बच्चन को हमें फिल्म में ही डायरेक्टली देखने को मिलेगा यार, बहुत जबरदस्त होने वाली है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा गाइस, कि यहाँ पे जिस तरह का डायलॉग चल रहा है, या डायलॉग के साथ जिस तरह का BGM, एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। ऊपर से एक्शन, मतलब ये ट्रेलर में सब कुछ देखने को मिल जा रहा है, या सब कुछ देखने को, फ्लैशबैक वाला स्टोरी, बाप बेटी वाला स्टोरी, फिर आइटम सॉन्ग का भी जलवा, फिर वो जो मतलब उनकी जो फ्लैशबैक वाला जो सॉन्ग है उसका भी जलवा, सारा का सारा चीज एकदम से, वो फाइट वाइट सब कुछ एकदम से, सारा का सारा चीज को फ्रेम करके, सारा का सारा चीज को अच्छी तरह से कटआउट करके मतलब यहाँ पे ट्रेलर को डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमें कैथी मूवी का स्टोरी ऑलरेडी पता है, इसलिए हमें मतलब कोई सस्पेंस नहीं लग रहा है। लेकिन ट्रेलर को अगर आप कोई नई मतलब कोई नया नया देखेगा, पहली बार देखेगा, तो उस मतलब किसी भी एंगल से उसको स्टोरी का कुछ पता नहीं चलेगा, अगर वो कैथी मूवी नहीं देखा होगा तो। इस तरह का स्मार्ट तरीके से ट्रेलर को काटा गया है, जो कि बहुत जबरदस्त लग रहा है। मैं एक बात फिर से रिपीट करके जरूर कहना चाहूंगा गाइस, ये 3D में रिलीज हो रही है, IMAX में रिलीज हो रही है, तो अगर मोबाइल में इस तरह का घुसपम दे रहा है, तो थिएटर में क्या लेवल का लगेगा गाइस, क्या लेवल का लगेगा। मैं बार बार एक चीज कहना चाहता हूँ, दोस्त की ट्रेलर बहुत खतरनाक लग रहा है, एक के बाद एक ये सिलसिला जारी है, टीजर के बाद ट्रेलर, ट्रेलर फिर ये पोस्टर वगैरह, सब कुछ घुसपम दे रहा है, तो फिल्म भी एकदम से घुसपम ही देने वाला है। इसको रीमेक समझ के थिएटर जाना मत भूलिएगा, थिएटर में इसकी एक्सपीरियंस एक आउट ऑफ लेवल की होने वाली है, जहां पे आपको कैथी मूवी की स्टोरी होगा, पर फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा। प्रेजेंटेशन एकदम से खतरनाक होगा यार, एकदम से खतरनाक होगा। तो प्लीज इसको रीमेक बोल करके आप इसको कतराना नहीं यार, कतराना नहीं, बिल्कुल इसको थिएटर में जा करके ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जो कि बहुत मजा आने वाला है। 30 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि बहुत जबरदस्त होगा यार। आपको कैसा लगा ट्रेलर जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।